नमस्कार बंधुरा, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो क्लिक करार्जन धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियोते अपन प्रधानमंत्री शौचालय योजना आपनारा क्यों ऑनलाइन आवेदन करबें, अर्थात रूरल एरिया एवं अर्बन एरिया, अर्थात ग्रामीण एलाका एवं शहर एलाकाय आपनारा क्यों प्रधानमंत्री शौचालय योजना आवेदन करबें। आपनारा आवेदन कर ले सरसरि आपनारा 12,000 टाका करे आपनारा सरसरि अकाउंटे पेये जाबें। आपनादेर अनलाइने आवेदनेर समय कोनो प्रकार आवेदन मूल्य लागबे ना। सेक्षेत्रे आज के भिडियोते आपनादेर जानाबो आपनारा क्यों प्रधानमंत्री शौचालय योजना आवेदन करबें, एवं तार जोन्नो आपनादेर की डॉक्यूमेंट्स लागबे, अनलाइने आपनारा क्यों फर्मटी फिल आप करबें, विस्तारित इनफरमेशन आपनादेर भिडियोर माध्यमे जानिये देबो। ताई भिडियोटी आपनारा अवश्य प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखबें। तब भिडियो शुरू करार आगे चैने नतून चैनल अवश्य सबसक्राइब कर और पशे थका बेल आइकन क्लिक करूँ, जैसे परवर्ती समस्त रकम सरकारी कर्म खबर, सरकारी प्रकल्प खबर सवार आगे पे चान। तो चलो फ्रेंड्स, विस्तारित तो सबकिू देखे नवा जा। तो फ्रेंड्स, प्रथमत तो अपने वेबसाइटे आसते हैं स्वच्छ भारत आरबान डट गवर्नमेंट डट इन वेबसाइटे, अर्थात अपन वेबसाइटे लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स दिए देव। से क्षेत्र में अपना से लिंके क्लिक कर अपने ऑफिशियल वेबसाइटे चले आसते पर। तो देखो अपने ऑनलाइन आवेदन जो कि डॉक्यूमेंट्स अपने लागे, तो देखो स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन्स फोटोग्राफ्स, अर्थात जरा जे आवेदन करें तरह एखे एक फोटोग्राफ लागे, अर्थात मैंडेटरी लागे। बैंक अकाउंट डिटेल्स, तृतीय हमारे स्कैन कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, अर्थात अपने बैंक जो बी से बैंक प्रथम बेर आपर जो जेरक्स अपना एखे क्योंकि दीते हैं। चतुर्थ जेटी बला हो देखो, इफ एप्लिकेंट डज नॉट हैव आधार नंबर देन कॉपी ऑफ द आधार एनरोलमेंट स्लिप इज रिक्वायर्ड, अर्थात अपने जो आधार नंबर ना थे से क्षेत्र में आधार एनरोलमेंटर स्लिप एखे अपन लागे। से क्षेत्र में देखो एखे अपन डिटेल्सगुली एखे दिए देवा से क्षेत्र में प्रत्येक उद्देश्य अपने जानिए रखी ये शुधुमात्र शहर एलाकार जो। तो ग्रामीण एलाकाय आपनारा क्यों आवेदन करबें, तो ग्रामीण एलाकाय अनलाइने आवेदन कोनो रकम एखे घोषणा करा सरसि अफलाइने क्योंकि ग्रामीण एलिक आवेदन करते हैं। से क्षेत्र में आपनारा अनलाइने क्यों ये आवेदन करबें, तो देखो एखे बला एप्लीकेशन्स लग इन, अर्थात एखे जरा जरा वेबसाइटे आगे एस गेन से क्षेत्र में एखे बला एप्लीकेशन्स लग इन, अर्थात एखे लग इन करते बला आपनारा जी वेबसाइटे नतून एसे थकें से क्षेत्र में क्यों करते हैं, देखो न्यू एप्लीकेशन्स क्लिक हेयर, तो ये अपने सरसरी क्लिक हेयारे क्लिक करते हैं। क्लिक हेयारे क्लिक करार पर आपनों जो डिटेल्सगुली अपने कमप्लीट करते हैं, तो देखो नेम्स दीते हैं एखे अपना नाम, एखे अपना मोबाइल नम्बर, एखे इमेल, एखे एड्रेस, अपनारा को डिस्ट्रिक्टर से डिस्ट्रिक्ट दीते हैं, आईडी टाइप, तो देखो की आईडी अपना एखे दीते हैं, पैन कार्ड, भोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आधार, और चार नम्बर होता है आईडी नम्बर, अर्थात अपना जो आईडी कार्ड सिलेक्ट करबें से आईडी नम्बर आपके दीते हैं। एंटार द कोड, अर्थात ये कोड की आपके दीते हैं, आपके एखे रेजिस्टर बटने क्लिक कर अपना क्योंकि रेजिस्टर करते हैं। देखो एखे रेजिस्ट्रेशन करार पर एखे अपना एक लग इन आईडी पा, तो देखो ओपरे हमार मेसेजे चले आपनारा लग इन आईडी पाबेन, और लग इन आईडी आपनादेर एखाने आपनाके कपि करे निते हबे, एबं कपि करार पर आपनादेर सरासरि होमे जेते हबे, एबं होमे जावार पर आपनादेर सरासरि देखो एखाने आपनारा पाबेन लग इन आईडी एबं पासवर्ड्स। तो देखो एखाने आपनादेर की करते हबे, आपनारा जखन लग इन करबेन तो आपनादेर जेहेतु पासवर्ड जाना नेई सेक्षेत्रे आपनादेर एखाने की एखाने एप्लीकेशन्स गेट वन टाइम पासवर्ड जेखाने आपनादेर क्लिक करते हबे, एबं एखाने क्लिक करार पर एखाने आपनादेर देखो लग इन आईडी एखाने आपनाके दिते हबे, एबं लग इन आईडी देवार पर आपनारा जे इमेल दिए रेजिस्ट्रेशन करार समय से ही इमेल आईडी दीते हैं, एखे अपन कोडी कैपचा कोड से कैपचा कोड देवर पर आपन एखे सेंड वन टाइम पासवर्ड जैसे एक पासवर्ड अपना सेंड करा। तो फ्रेंड्स, अपन जखनी एखे अपने पासवर्ड सेंड कर देवे तक अपना कि करबें, एखे सरसरी अपन जो लग इन आईडी से लग इन आईडी देवें, और आपनारा एखे पासवर्ड देवें, और पासवर्ड देवार पर आपके ये कोड दीते हैं, अर्थात ये कैपचा कोड, और कैपचा कोड देवर पर आपन एखे लग इन। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड आपनारा जखनी चेंज कर देवें, पासवर्ड चेंज करार पर देखो एखे बोले देवा इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लेटर इन्स एप्लीकेशन्स फर्म्स, जखे अपन देखो एप्लीकेशन्स फर्म खुले गए, तो जानने बला देखो एखे अपने जो आधार कार्ड ना थे से क्षेत्र में प्रथम दीजिए आधार एनरोलमेंट स्लिप, और द्वितीय हे अपारा जो एखे छविटी आपनारा आपलोड करबें तो छबिर साइज होते हैं 50 KB मध्य, और देखो पासबुक कपि, अर्थात अपना जो बैंक बोटी एखे अपन एखे आपलोड करते हैं से बैंक बेर आपनों छवि होते हैं सैज होते हैं 100 KB मध्य, और आधार एनरोलमेंट स्लिपे जी आपनारा कपि दें से क्षेत्र में अपन सैज होते हैं 100 KB मध्य। तो प्रथम अपने की सिलेक्ट करते हैं, देखो स्टेट अपना जेहतु सिलेक्ट कर नहीं फार्ष्टे, तो एखे आपके स्टेट सिलेक्ट करा गए। द्वितीय हे एखे अपन डिस्ट्रिक्ट जे डिस्ट्रिक्टे अपना बसबाज करें से डिस्ट्रिक्टी क्योंकि एखे आपके दिए दीते हैं। तपर हम यूएलबी नम्बर, देखा से क्षेत्र में अपना यूएलबी नम्बर और वार्ड नम्बर अपन एखे दीते हैं, और देखो एखे बला नेम अफ एप्लीकेशन्स, अर्थात जरा जे आवेदन करते नाम एखे दीते हैं। द्वितीय देखो एखे अपना जेंडार, अर्थात अपना फिमेल ना फिमेल से सिलेक्ट करते हैं।
তৃতীয় হচ্ছে ফাদার্স অথবা হাজব্যান্ড নেমস, এখানে আপনার বাবার নাম অথবা স্বামীর নামটি দিয়ে দিতে হবে। চতুর্থ হচ্ছে, এখানে আমরা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মোবাইল নাম্বার, মোবাইল নাম্বারটি দেওয়ার পর নিচে আপনারা স্ক্রল ডাউন করবেন, যেখানে দেখুন রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেসটি এখানে কিন্তু আপনাকে দিয়ে দিতে হবে। এবং দেখুন এখানে বলা হয়েছে স্ট্যাটাস অফ এক্সিস্টিং টয়লেট, হচ্ছে এখানে আপনাকে বলা হয়েছে আধার লিঙ্কড ট্রান্সফার অফ ইনঅ্যাক্টিভ, অর্থাৎ এখানে যদি আপনাদের লিঙ্ক করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ইয়েস করবেন, না থাকলে এখানে আপনাকে নো করে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে দেখুন ডু ইউ হ্যাভ আধার নাম্বার, আপনার কি আধার নাম্বার আছে, সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে ইয়েস আগে থেকে হয়ে আছে। তারপর এখানে আপনাকে দিতে হবে কি আধার নাম্বারটি, এখানে আপনাকে দিতে হবে। এবং আধার নাম্বারটি দেওয়ার পর দেখুন যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস, যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলসটি কিন্তু এখানে আপনাকে দিতে হবে, যেখানে আইএফএসসি কোড দিতে হবে। এবং আইএফএসসি কোডটি দেওয়ার পর যখন আপনারা সার্চ করবেন এখানে আপনাদের ব্যাঙ্কটি চলে আসবে। তারপর হচ্ছে আপনাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং আপনাদের কনফার্ম অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি এখানে আপনাকে দিতে হবে, যার মাধ্যমে দেখুন এখানে বলে দেওয়া হয়েছে টাকাটি আপনাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তারপর হচ্ছে এখানে দেখুন পাসবুকের ফার্স্ট পেজের স্ক্যান কপি, অর্থাৎ আপনাদের যে ব্যাংকের পাসবুক সেই পাসবুকের প্রথম পেজের স্ক্যান কপিটি কিন্তু এখানে আপনাকে এখানে আপনাকে আপলোড করতে হবে, যা সাইজ হতে হবে 100 KB-র মধ্যে। এবং ফটোগ্রাফ অফ অ্যাপ্লিকেন্ট, অর্থাৎ যে আবেদন করছে তার ছবিটি এখানে কিন্তু আপনাকে আপলোড করতে হবে। এবং এখানে দেখুন আপনাকে কী করতে হবে, এখানে জাস্ট আপনাকে এখানে চেক বাটনে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। এবং চেক বাটনে ক্লিক করার পর যখনই আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন এটি কিন্তু আপনাদের আবেদন হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে এলিজেবল হন, সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু 12,000 টাকা করে আপনাদের সরাসরি ব্যাংকে আপনাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এরকম নিত্যনৈতিক আপডেট পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস।